नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं विभाग बात। विभाग बात में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शोभा ओझा जी हैं। शोभा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद शोभा जी। सबसे पहले बताइए कि महिलाओं को कुछ ज्यादा दिक्कत आती है राजनीति में? मैं समझती हूँ महिलाओं को राजनीति ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में, क्योंकि महिला को ईश्वर ने ज्यादा शक्तिशाली बनाया मैं समझती हूँ, इसलिए ज्यादा मुसीबतें भी आती हैं, और मुसीबतें से लड़ना और उसको दरकिनार करके अपनी धाक जमाना भी महिलाओं को आता है। तो भारतीय संस्कृति में तो नारायणी है, दुर्गा है, साक्षात महाकाली हो जाती है स्त्री। पुरुष प्रधान देश में बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि महिला को देवी का रूप दो और देवी बना के रखो, पर आज की 21वीं शताब्दी की महिला चाहती है कि उसको देवी ना बनाए, उसे जो देश के संविधान ने अधिकार दिए हैं, जो उसे बराबरी का अधिकार दिया है, वो उसे मिले, बस उसे देवी बनने का कतई शौक नहीं है। मध्य प्रदेश, आप जब आई, मीडिया का काम संभाला, कांग्रेस को नए सिरे से जमाने में आप लगी थी, आप पे भी आरोप लगे कि आप बहुत आक्रामक हैं, लोग आपसे डरने लगे, कांग्रेस के लोग भी। देखिए, कई बार सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको बहुत फर्म होना पड़ता है। जब मध्य प्रदेश की जवाबदारी मुझे सौंपी गई तो मैं समझती हूँ कि सामने मेरे बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि चुनाव का, विधानसभा चुनाव को जीतने का, और उसमें धर्रा बदलने की ज़रूरत थी, एक नई सोच के साथ काम करने की आवश्यकता थी। तो उसके लिए जो शक्ति चाहिए, जो टीम वर्क चाहिए, और समय मेरे पास बिल्कुल नहीं था, जो टीम एग्जिस्टिंग टीम थी उसी के साथ काम करना था, एक नई टीम खोजने का समय नहीं था, तो इसके चलते शक्ति बेहद ज़रूरी थी, और वो शक्ति के कारण आज ये हुआ कि एक टीम के रूप में हमने काम किया और नतीजे आपके सामने, सरकार कांग्रेस की बनी। मुझे लगता है आपके सामने चुनौती अब और बड़ी है। मध्य प्रदेश की हम जब भी बात करते हैं तो महिला अपराधों को लेकर सबसे पहले चर्चा होती है। ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी के समय ज़्यादा है या कांग्रेस के समय ज़्यादा है, इन ऑल अगर हम 90 के बाद से देखें तो महिला अपराधों में हर जगह बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश अव्वल है, ये एक दाग जैसा है। बहुत बड़ा दाग है, और मैं समझती हूँ इसके लिए सबसे पहले सरकार को तो सचेत होकर संवेदनशील, अति संवेदनशील होना पड़ेगा, पुलिस को अति संवेदनशील होना पड़ेगा, जिससे कि जो कानून तो है, देखिए निर्भया के बाद महिला अपराध को लेकर बड़े सख्त कानून बन गए हैं, जस्टिस वर्मा ने बड़े अच्छे, उनकी टीम ने बड़े अच्छे कानून बनाए हैं, पर उन कानूनों को ज़मीन पे उतारना, उन कानूनों का पालन करवाना, उन कानूनों को लेकर सचेत करना, जागरूकता लाना, ये सरकार, पुलिस और समाज का काम है। और मैं समझती हूँ कि मध्य प्रदेश में अब, क्योंकि पूरी टीम हमारी, आदरणीय कमलनाथ जी हूँ, हम हैं पूरी टीम, और आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी की भी यही सोच रही कि महिला अत्याचार के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे वे फिर वो अत्याचार करने वाला अपना ही पार्टी का क्यों ना हो, अपने नज़दीकी आदमी ही क्यों ना हो, पर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कानून से बड़ा वो नहीं होता है, इस सोच के साथ हम काम करते हैं। अब आप देखिएगा कि आने वाले, इसमें शोभा जी आपको रोक रहा हूँ, आपने भी देखा होगा भोपाल में कई किस्से हुए, इंदौर में कई किस्से हुए, पुलिस ये कह के पल्ला झाड़ती है कि साहब रेप हुआ तो रेप करने वाला परिचित था या रिश्तेदार था, महिलाओं के साथ किसी भी किस्म का अपराध हो तो पुलिस ये कह के टालने की कोशिश करती है कि वो पूर्व परिचित थे। इसमें सवाल आता है कि कानून का खौफ, पुलिस का खौफ कायम हो। रेप की अगर आप देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर रेप को हम नज़दीक से देखें तो 90% रेपिस्ट उस पीड़िता के बहुत नज़दीकी होते हैं। जब पीड़िता जिस पे विश्वास करती है वही विश्वासघात करता है, तो ऐसे में अगर पुलिस ये कह के पल्ला झाड़ती कि उसके नज़दीक था या उसका जानकार था, तो ये कोई उत्तर नहीं हुआ। मैं समझती हूँ कि कानून का डर, भय समाज में होना चाहिए, हर व्यक्ति को ये उसके दिमाग और दिल में होना चाहिए कि कोई भी अगर हम अपराध करते तो हम बचेंगे नहीं। जब अपराधी के मन में ये होता है कि मैं अपराध करके बच जाऊँगा, तो वो लगातार एक चेन उसके दिमाग में बनी रहती है और वो अपराध करता जाता है। पर अगर एक व्यक्ति को ये पता हो कि मेरे को सख्त सज़ा मिलेगी, मुझे कोई भी ताकत बचा नहीं पाएगी कानून के चलते, तो फिर वो कहीं ना कहीं घबराता है। तो मैं समझती हूँ एक ऐसा राज होना ज़रूरी है। बिल्कुल, सब चाहते हैं। शोभा जी जो कह रही हैं, आधी आबादी का सवाल है, हमारे आधे घर का सवाल है,
हम सबके आधे समाज का सवाल है, तो इस पर एकजुट तो होना पड़ेगा। लेकिन आप लोग भी आरोप लगाते थे बीच में चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले भी, कि यहाँ की जो सिस्टम है मध्य प्रदेश का पूरा चरमरा गया था। अगर वो चरमरा गया था तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? क्या कांग्रेस और खास करके आप महिलाएं कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल सरकार को दे रही है कि किस तरह से इस पर एक्शन लिया जाए ताकि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके, रोके नहीं तो कम से कम कम किया जा सके? देखिए, जब फिर मैं वहीं आऊँगी लौट के कि जब सरकार अगर असंवेदनशील होती है और सरकार खुद ही जो लोग सत्ता में हैं वो अपराधियों को बचाने लगते हैं, तो फिर मैं समझती हूँ किसी भी तरह का कानून व्यवस्था नहीं सुधारी जा सकती। और यही हुआ पिछले 15 साल में, गुंडा राज, जंगल राज, यही हुआ कि हर आदमी आज वेल कनेक्टेड है, कोई ना कोई अपराधी का रिश्तेदार निकल जाता है तो वो किसी पार्टी से उसकी ताल्लुकात रहता है, किसी अफसर से उसका ताल्लुकात रहता है और वो बच जाता है। पर जो कमलनाथ जी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उनने डे वन शपथ लेने के बाद जब वो पुलिस हेडक्वार्टर्स गए थे, उन्होंने कहा था कि क्राइम के खिलाफ मेरा जीरो टॉलरेंस रहेगा और चाहे कोई भी हो, क्रिमिनल क्रिमिनल है, वो कितने ही बड़े का नेता का रिश्तेदार हो या उसका सगा संबंधी भी हो, तो उसको नहीं बचना चाहिए। जब लाउड एंड क्लियर ये मैसेज गया है तो मैं समझती हूँ कि बदलाव आएगा, एक कानून का डर और एक कानून का राज मध्य प्रदेश में होगा, और जिसके चलते, और नहीं तो कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री जी हैं एक मिनट नहीं लगाते हैं हटाने में, अफसरों को हो चाहे कोई भी हो, सजा तुरंत मिलती है। तो इसलिए जब जो मुखिया है प्रदेश का, अगर वो इतना सजग है और सचेत है और दृढ़ संकल्पित है कि क्राइम के खिलाफ मुझे कोई भी मैं टॉलरेंस नहीं रखूंगा, तो निश्चित ही वही भावना नीचे तक जाती है। अभी बीच में आपने देखा होगा बीजेपी को सरकार पे, कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगाने का मौका मिला कि मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, गुंडा राज हावी हो गया है, सतना की घटनाएं हो लगातार, एक दो घटना हुई या छतरपुर में कुछ घटनाएं हुई, तो कहीं लगता है कि अभी भी जो पुलिस के अफसर हैं वो गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं ऊपर चीज़ों को, होता कुछ है, ऊपर गुमराह किया जाता है नेताओं को, मंत्रियों को। 15 साल का जो गुंडा राज है, हम सोचे कि एक दिन में हट जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। आपने देखा चित्रकूट वाली घटना में भी, जो सतना की घटना थी जहाँ 2 मासूम बच्चों को अगवा करा के यूपी ले गए थे और फिर वहाँ उनकी हत्या हुई। बस सतना में स्कूल था, चित्रकूट में स्कूल था, घर भी बच्चे यूपी के ही थे, अगवा करने वाले बजरंग दल के यूपी के कार्यकर्ता थे, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी क्योंकि अगवा यहाँ से हुए थे, उन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी और उन पर कार्रवाई हुई। तो जब एक 10-15 ऐसी कार्रवाइयाँ सख्त हो जाएंगी, आप देखिए कि उसके 15 दिन बाद दूसरी घटना भी उसी इलाके में होती है, तो जब ऐसी सख्ती होगी कि तुरंत कार्रवाइयाँ होगी जब पुलिस पे भी, तब मैं समझती हूँ एक डर पुलिस में भी रहेगा कि अगर हम मुस्तैदी से काम नहीं करेंगे, हम सजग होकर नहीं रहेंगे, हम कानून जो हमारी जवाबदारियाँ हैं वो नहीं निभाएंगे, तो हमारी नौकरी तक जा सकती है। जब ये एक बात लोगों के गले जिस दिन उतर जाएगी, तो मैं समझती हूँ सजगता और संवेदनशीलता अपने आप आ जाएगी। सजगता, संवेदनशीलता, लोगों का जागरूक होना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अभी खूब चर्चा हुई रोजगार को लेके, चर्चा ये भी हुई कि साहब स्किल डेवलपमेंट होगा, मोदी साहब भी करते थे, कमलनाथ जी ने भी आगे की, फिर दो चीज़ें निकल के आई कि ढोर चराएं और बाजा बजाएं। बहुत ही गलत तरीके से इसका प्रचार प्रसार हुआ है। जब हमने कहा कि हम रोजगार के अवसर देंगे, तो हम रोजगार के अवसर केवल पढ़े लिखे बच्चों की बात नहीं कर रहे थे, हम उन बच्चों की भी बात कर रहे थे जो गरीब हैं, जो नहीं पढ़ पाए, जिनको मौका नहीं मिला है पढ़ने का, जो अशिक्षित है। आज एक अशिक्षित बच्चे को आपको रोजगार से लगाना है तो उसको कोई ना कोई तो ट्रेनिंग आपको देनी रहेगी। अगर उसका झुकाव है म्यूज़िक की ओर तो वो अच्छा बैंड बाजा बजा सकता है, तो क्यों नहीं उसको ट्रेनिंग दी जाए कि वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि जो हमारे यहाँ बरातें निकलती है सब हायर करते हैं, सब मंगाते हैं बैंड बाजे वालों को, तो उसमें उसको एक नौकरी रोजगार तो मिले, तो उसे एक ट्रेनिंग तो मिले। शोभा जी, हमारे जबरदस्त रोजगार था लेकिन डीजे आके इस पूरे रोजगार को खा गया। वो लौट के वही जो बैंड का सिस्टम, अगर बैंड अच्छा होगा तो उसको भी नौकरी मिलेगी, तो क्यों नहीं उसे ट्रेनिंग उसकी दी जाए। और जहाँ तक
ऐसी कोशिश करें कि डीजे बंद हो सबसे पहले, उससे एक तो ध्वनि प्रदूषण बहुत होता है। जी, तो जब हमारे पास उसका हमको अल्टरनेट तो तैयार करना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें डीजे बंद करने के लिए हमें अल्टरनेट तैयार करना पड़ेगा, जो हमारा ट्रेडिशनल जो बारातें निकलती थी जो बैंड बाजा बजता था वो बंद हो गया और डीजे ने उसकी जगह ले ली, और अगर डीजे बंद करते हैं तो फिर हमें वो शुरू करना है, तो उसके लिए हमारे बच्चों को जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, उनको ट्रेनिंग दे के उनको इस लायक बना पड़ेगा कि दो रोटी वो कमा सके। नहीं तो क्या हो रहा था पिछले 15 साल, आपने देखा 1 करोड़ से ज़्यादा नवयुवक बेरोजगार थे, पढ़े लिखे भी और बिना अशिक्षित भी, और ये पढ़े लिखे तो फिर भी दूसरे प्रदेशों में जाके रोजगार पा जाएंगे, पर जो अशिक्षित बच्चा है जो बेरोजगार है उसके पास काम कुछ नहीं रह गया था, तो वो बजरंग दल में जाके जमा हो जाता है, दुपट्टा डालता है और गौ रक्षा के नाम पर गुंडागिर्दी, दादागिरी, पैसा वसूली, मॉब लिंचिंग ये सब करता था। तो आज हमारी सोच हर तबके के लिए, हमारी सोच एक IIT करे हुए बच्चे के लिए भी है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पास हुए आउट बच्चे के लिए भी, तो एक डॉक्टर के लिए, तो एक अशिक्षित बच्चे के लिए भी हमारी सोच उतनी ही संवेदनशील है। और BJP ने इसको जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, अरे 15 साल आप सरकार में थे, आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन्वेस्टर्स मीट में, कौन सा इन्वेस्टमेंट आया, कौन सा रोजगार आपने जनरेट किया, कौन सा आप विदेश में कई ट्रिप्स शिवराज सिंह चौहान जी ने और उनकी पूरी सरकार ने लगाई रोजगार लाने के नाम पे, क्या रोजगार मिला? मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर एक पर है बेरोजगारी के नाम पर, नंबर एक पर है बेरोजगारों की आत्महत्या के मामले में। तो आज कमलनाथ जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी सोच हर तबके के बच्चे के लिए है, पढ़ा लिखा भी और अशिक्षित भी। ये हैं शोभा ओझा के तेवर, जब मुद्दों पे मसलों पे बातचीत होती है और जहाँ कुछ चीज़ दिल को छू जाती है तो आक्रामक भी हो जाती है। शोभा जी से बातचीत का ये दौर जारी रहेगा, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। विभाग बात में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शोभा ओझा जी से। शोभा जी को 1988 में पहली बार मैंने देखा था और झंडे डंडे के साथ बिल्कुल तैयारी से एक युवा छात्र नेता, तब में अब में कितना अंतर आ गया? बहुत समय बीत चुका है, पर हाँ लड़ाई का जज्बा अभी भी वही। समय श्रीनगर एक्सटेंशन बन रहा था और रैलियों में शोभा ओझा वहाँ से शुरू होती थी, पलासिया की तरफ बढ़ते थे, कभी अन्नपूर्णा की तरफ चले जाते थे और शहर में उत्पात होता था। उस समय युवा नेताओं की पूछ भी होती थी। बिल्कुल, देखिए तब मैं समझती हूँ नेता बनना बहुत मुश्किल था, मुश्किल इन द सेंस क्योंकि नेता वही बनता था जिसमें नेतृत्व होता था। होर्डिंग पोस्टर लगा के नेता नहीं बना जाता था उस जमाने में। अब तो ऐसा है कि बस फ्लेक्स भी बहुत सस्ता हो गया है तो होर्डिंग पोस्टर पे ही नेता बन जाते हैं, ज़मीन पे उनका कुछ रहता नहीं है। पर तब एक दौर अलग था जब छात्र राजनीति में पकड़ होती थी लोगों की और नेता को मैं समझती हूँ आम लोगों से ऊपर उठ कर एक रोल मॉडल बनना होता था। जी की बात को अब शोभा जी चूँकि इंदौर की हैं तो मैं इंदौर के जरिए, इंदौर के हमारे एक साथी हैं शोभा जी के भी बड़े प्रिय हैं, वो राहत इंदौरी। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि ट्रेजर खजाने के बारे में कि बड़ी मुश्किल से हाथ खजाना लगता है, पहले कुछ दिन आना जाना
बड़ी मुश्किल से हाथ खजाना पड़ता है, पहले कुछ दिन आना जाना पड़ता है, और फल लगे तो तुम भी चढ़ गए बेटा यहाँ, पहले पेड़ लगाना पड़ता है। अब पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता, बिल्कुल नहीं लगाना चाहता है, अब सबको शॉर्टकट्स चाहिए। और आपको लगता है राजनीति में शॉर्टकट पॉसिबल है? कई बार पॉसिबल भी हो जाते हैं, क्योंकि गणेश परिक्रमा लगाने वालों को कई बार मिल जाता है, और वही बहुत मेहनत करने वाले को भी वो चीज़ नहीं मिल। तमाम सारे लोग शुभ ऊर्जा जैसे होंगे, जिन्होंने दरियाँ भी बिछाई हैं, जिन्होंने डंडे भी खाए हैं, उनको दुख नहीं होता फिर? बिल्कुल होता है, दुख होता है, और संघर्ष करते रहते हैं, कई लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उनको लगता है कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, तो बहुत कुछ होता है। कई लोग पार्टियां बदल लेते हैं इसके चलते, वो फ्रस्ट्रेशन के चलते, तो बहुत कुछ होता है। पर मैं समझती हूँ कि पेशेंस और सतत मेहनत करते रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेता है किसी भी क्षेत्र में, मैं राजनीति में नहीं, किसी भी क्षेत्र की बात करती हूँ, दो रास्ते आपके सामने हमेशा खुले रहते हैं। एक रास्ता होता है जो ईमानदारी का रास्ता होता है, वो लंबा रास्ता होता है, वो कठिनाइयों का रास्ता होता है, और दूसरा रास्ता होता है शॉर्टकट, जो कि गणेश परिक्रमा वाला रास्ता जो मैं कह रही हूँ कि बहुत छोटा होता है। और अगर किसी ने हम पे है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, अगर हमने लंबा रास्ता चुना है तो हमको खुश होना चाहिए कि मैं उस काबिल हूँ कि मैं उस कठिन रास्ते से अपने मंजिल तक पहुँचने का जज्बा रखता हूँ या रखती हूँ। और छोटा रास्ता चुनते हैं तो वो उनके सैक्रिफाइसेस उसमें भी हैं। आपको कब लगा कि अब मैं पॉलिटिशियन हो गई हूँ, अब राजनीति कर सकती हूँ, अब मेरे में वो मैच्योरिटी आ गई है? देखिए, बहुत लंबा सफ़र रहा है, क्योंकि 30-35 साल का सफ़र है ये, और छात्र राजनीति से फिर कांग्रेस की राजनीति, संगठन से NSUI से लेके यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, और अब मेन कांग्रेस तक का बहुत लंबा सफ़र रहा है। और हर सफ़र में मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ नया सीखा, कुछ नया सीखा, और मैच्योर, मेरे ख्याल से मैं छात्र राजनीति में भी थी तो भी मैच्योरिटी लेवल मेरा अच्छा था, क्योंकि हमेशा मैंने पढ़ा बहुत, पढ़ा इन द सेंस मैं खूब किताबें पढ़ती थी, तो एक जो एक विचार बनते थे वो मैं समझती, मेरे एज के लोगों से मेरी हमेशा ऊपर सोच रहती थी, और अपने से बड़े लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताती थी। राजनीति में धैर्य, गणेश परिक्रमा, 3-4 शब्दों का इस्तेमाल किया, राजनीति हो, पत्रकारिता हो, जीवन का कोई भी हिस्सा हो, कहीं भी आप काम करते हो, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और समस्या यही है कि लोगों की किताबों से दोस्ती खत्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई। और आज की पीढ़ी तो मुझे दुख होता है कि बिल्कुल ही वो मोबाइल पे ही, पेपर तक नहीं पढ़ती है, वो मोबाइल पे ही, जो व्हाट्सएप पे ही वो जीती है, और व्हाट्सएप के मैसेजेस का सत्यता कॉपी पेस्ट, आपके दिमाग में तो क्वेश्चन ही नहीं आता उसके कारण, आपका कोई सोच नहीं होता, आपके अपने कोई विचार नहीं होते, कोई विचार नहीं होते, और बहुत ही कम पढ़ती, जो कि बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे देश का, आप अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे, आप भविष्य कैसे बनाएंगे, बिल्कुल समझ के परे हैं। और बहुत ही मतलब नॉलेज इनका लिमिटेड रहता है, वही ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ही बड़े होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और आंसर में ही जीते हैं। में आ गई मैच्योर पॉलिटिक्स चल रही है, खूब सारे तबादले हुए, कमलनाथ जी के कई सारे, आप देखें कि सोशल मीडिया ने कई सारे नाम रखे, तबादला नाथ, कोई कह रहा है कपटनाथ, कोई कह रहा है कलंकनाथ, कई, इतने तबादलों की आवश्यकता थी क्या? अभी देखिए, तबादले 15 साल का एक सिस्टम है, आप समझिए 15 साल बहुत लंबा समय होता है, और जो अफसर जहाँ जमे हुए थे वो पता लगा 7-7, 8-8 साल से एक ही पद पे हैं, एक पद पे इसलिए रहे क्योंकि नज़दीकियाँ रहीं पूरे सरकार से, किसी न किसी के नज़दीक रहे इसलिए वो एक ही पद पे, जबकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट रूल्स है कि 3 साल बाद आदमी का तबादला होना चाहिए, तभी वो नई जगह जाएगा, नहीं तो वो एक पूरा अपना सिस्टम बना देता है जो कि करप्शन को बढ़ावा देता है। और तबादले उन्हीं लोगों के हुए हैं जो बहुत लंबे समय से एक जगह थे, और वो करना अति आवश्यक था, क्योंकि जिस स्तर पर भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा था ये सोच के परे हैं हमारे, मतलब कोई भी काम, एक गरीबी रेखा का कार्ड आप समझिए बनवाने के लिए तक उस अति गरीब आदमी को रिश्वत देने की जरूरत पड़े, तो आप करप्शन कितना डीप रूटेड मध्य प्रदेश में हो गया ये आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में वो जो अफसर, तो देश में बहुत पुरानी समस्या है, राजीव गांधी जी इशारे करके गए थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ
85% तो पाइपलाइन में ही चला जाता है। तो ये बड़ी भारी समस्या है। और जैसा आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी का भी अपराधों को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, अब लोकसभा चुनाव सामने है। दो और उसके बाद एक बाई इलेक्शन में हम जीते, 3 कुल मिला, बहुत कुछ है पाने के लिए। और उसकी और हम मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। देखिए आपने एक ओबीसी वाला कार्ड खेला भी बीच में, कार्ड नहीं कहूँगी मैं उसे, उस नहीं होगा, होना था नहीं होगा। क्या है, ओबीसी मध्य प्रदेश में करीब 53% पॉपुलेशन ओबीसी है, और ओबीसी का आरक्षण हमारे यहाँ 14% था, जो लगातार ओबीसी मांग रहा था कि भाई हमें आरक्षण और दीजिए। और हमारा देखिए ओबीसी, अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ ओबीसी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो हमारे यहाँ का ओबीसी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा था। पिछले 15 साल में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री हुए हैं, हाँ जी, उमा भारती, गौड़ साहब और शिवराज सिंह जी, 3 ओबीसी, और ओबीसी के कंधे पे चढ़ के ये मुख्यमंत्री बने कि भाई ओबीसी हैं, इतना यहाँ पॉपुलेशन है, आर्थिक दृष्टि से तो बहुत स्ट्रांग थे ना, बहुत स्ट्रांग थे, पर राजनीतिक दृष्टि से कि ओबीसी की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में 53% है, इसलिए ओबीसी मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये वो करके ये लोग सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने। तीनों ने ओबीसी अपने समाज को लॉलीपॉप दिए कि हम आपका आरक्षण बढ़ाएंगे, इन्होंने आरक्षण नहीं बढ़ाया, सतत मांग कर रही थी ओबीसी। कमलनाथ जी आए, कमलनाथ जी ने कहा बिल्कुल सही है, इनका इतना 53% है ये, और 14% केवल है, तो इसको उठा के हम 27% करते हैं, उन्होंने आरक्षण को बढ़ा दिया। अब तकलीफ देखिए इन नेताओं में, बीजेपी ने एक, वैसे तो कायदे से बीजेपी को स्वागत करना चाहिए था कि भाई जो तुम वादे करते आए थे तुमने पूरे नहीं किए, हमने आके पूरे किए, तो आपको स्वागत करना चाहिए था, पर नहीं, सब ने दबी जवान से इसकी का विरोध किया, पर हम अपने वचन से बंधे हुए। ऐसा क्यों होता है कि शिवराज जी जाते हैं, ज्योतिरादित्य जी जाते हैं, शिवराज जी से मिलाते हैं, बाबूलाल गौर जी हैं वो दिग्विजय सिंह जी से मिलाते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन अच्छे कामों की तारीफ क्यों नहीं करते? इतने क्या तंग दिल हैं या इतने संग दिल हैं ये? हाँ नहीं, लोकतंत्र में मैं समझती हूँ कि वो दौर खत्म हो गया जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान, तो अटल जी कहते थे कि दुर्गा है, लेकिन इस बार तो हुआ तो आप देखिए ना, शीशा दर्द शुरू हो गई। नहीं नहीं, इस बार हुआ तो भी सबसे पहला जो समर्थन था वो आदरणीय राहुल जी का है। राहुल जी ने कहा कि हम देश के साथ हैं, हम अपनी सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, और सरकार मुंहतोड़ जवाब दे। कहीं भी हम, मैं समझती कांग्रेस की वो संस्कृति रही कि कांग्रेस ने हर अच्छे काम, नहीं राहुल जी ने तो समर्थन किया, लेकिन जो ये व्हाट्सएप की फौजें हैं, अब ये व्हाट्सएप तो आप जानते हैं कि ये वो उस्तरा है जो किसी भी बंदर के हाथ आ सकता है। ये वो उस्तरा है जो किसी भी बंदर के हाथ आ जाता है कि आ गया है, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप। लेकिन सवाल ये था कि अब कितनी सीटें लोकसभा में, हमारे पास 29 सीटें हैं। हाँ, 3 सीट फिलहाल है और 26 सीट टारगेट में है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हम इस टारगेट के लिए। कमलनाथ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं कई बार नेताओं से सहमत नहीं हो पाता, लेकिन उनकी इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि हमारे बड़े नेताओं को उन बड़ी सीटों पर लड़ना चाहिए जो हम हारते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए आज बेहद ज़रूरी है कि हम एक एक सीट पे स्ट्रांग कैंडिडेट्स उतारें, और जब कमलनाथ जी ने ये बात कही तो कार्यकर्ता का भी क्या की भी यही सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर नेताओं को उतारें जिसके हम ये चुनाव जीत सकें। आज इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये वो सीट्स हैं जो हम लगातार हारते आ रहे हैं। बहुत लंबा एक समय गुजर गया जहां हम कोशिश करते हैं पर हार जाते हैं। देखिए इंदौर, हाँ जी जी, ताई करीब 8 बार से वहाँ सांसद हैं। हाँ हाँ जी, मेरे मतलब मैं समझती हूँ उनकी भी वो सोच है कि अच्छे लोगों का साथ वो देती हैं और अच्छी राजनीति की पक्षधर वो भी हैं। और इंदौर वैसे भी एक ऐसा शहर है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस को मतलब पार्टी लेवल पे बहुत कड़वाहट नहीं है, हमारे आपसी रिश्ते सभी के बहुत
अच्छे हैं, मतलब मेरे सामने जब मैं विधानसभा लड़ती थी महेंद्र हाडिया जी लड़ते थे, वो भी छात्र राजनीति से निकले हुए थे, तो हमने बिल्कुल मतलब चुनाव जब लड़ा तो हमने बड़े अच्छे इसमें लड़ा कि भाई कोई किसी के बैनर पोस्टर नहीं फाड़ेगा और एक अच्छे माहौल में हम दोनों विचारधारा अलग अलग है जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पर हमारी आपसी रंजिश कुछ भी नहीं थी, आज भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और मैं जब हारी तो सबसे पहले महेंद्र हाडिया जी मेरे घर आए थे, मैंने उन्हें बधाई भी दी, घर आए मिले वो, तो ऐसे सबके संबंध वहाँ इंदौर में बहुत अच्छे, मालवा की मिट्टी में एक मिठास है। तो जहाँ तक इंदौर का सवाल है, लड़ने का सवाल है, हम सब चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी लड़े, इंदौर लड़े, भोपाल लड़े, या फिर हमारे इंदौर की, लेकिन भोपाल की बात आते ही तो बाबूलाल गौर साहब बोले कि लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। वो बाबूलाल जी कैमरे के सामने कुछ और बोलते हैं, कैमरे के पीछे कुछ और बोलते हैं, मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं और हाँ मंझे हुए खिलाड़ी जिसे कहना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के और बहुत मेहनत करी इस प्रदेश के विकास के लिए, तो मैं समझती हूँ इस इलेक्शन में इशू क्या रहेंगे मध्य प्रदेश में, आप लोगों ने कामकाज जो कुछ किया 80-85-90 दिन जो भी रहे, ये इशू रहेंगे या फिर सेंट्रल वाले? देखिए मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल के बीजेपी का कुशासन भी इशू रहेगा, तो पिछले 75 दिन में हमने जो 83 वचन पूरे किए हैं जिसमें कर्जा माफ़ी बहुत बड़ा वचन है जो पूरा हुआ है, बिजली बिल हाफ करने का जो वचन था, आज बिजली बिल शहरी हो या ग्रामीण हो हमने आधी कर दी है, वो भी एक बहुत बड़ा आप सारे काम बहुत अच्छे करते हैं, मध्यम वर्ग को छोड़ देते हैं? नहीं, मध्यम वर्ग को नहीं छोड़ा, ये जो बिजली बिल शहरी बिल है 100 यूनिट तक का, वो सब वर्ग के लिए, वो ऐसा नहीं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए, वो 100 यूनिट तक जो भी उपयोग करेगा उसका 1 रुपये यूनिट होगा, वो सबके लिए, मध्यम वर्ग के लिए खास तौर पे वो मध्यम वर्ग के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए सोच इस बार बहुत तगड़ी है हमारी। और जो युवा स्वाभिमान योजना है वो भी मध्यम वर्ग के लिए है, जिसमें 4,000 स्टाइपेंड भी मिलना है, बच्चों को ट्रेनिंग भी मिलेगी कंप्यूटर से लेकर जो ट्रेनिंग करना चाहेंगे वो ट्रेनिंग मिलेगी, तो ये सब मध्यम वर्ग के लिए है। तो ये अच्छा, फिर जो बुज़ुर्गों की पेंशन बढ़ाई है वो भी उसमें भी मध्यम वर्ग आ रहा है, तो तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो 83 वचन हमने पूरे के लिए वो भी रहेंगे, तो साथ ही 5 साल की जो केंद्र की सरकार है, जो मोदी जी के जुमले हैं, जो उनकी वादा खिलाफी है, वो भी मुद्दे रहेंगे, तो एक मिक्स पैकेज है। और जनता को बहुत सोच समझ के वोट देने के, 5 साल में केंद्र की सरकार के चलते जो नोटबंदी में वो अपने ही पैसों को निकालने में जो परेशान रही, घंटों लाइन में रही, वो भी नहीं भूलना है, तो जटिल जो GST दिया है जिसके चक्कर में काम धंधे चौपट हो गए वो भी हमें नहीं भूलना है, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों जो 2014 में थी और जो 2018-19 में है उस पर भी हमें गौर करना है, महंगाई पे भी गौर करना है, तो तमाम मुद्दे हैं। इस इलेक्शन को मध्य प्रदेश में BJP आपकी विरोधी पार्टी है और विरोधी पार्टी को सारे हक होते हैं कि वो जो चाहे वो बोले, बार बार एक बात आती है कि बस चुनाव होगा और कमलनाथ सरकार गिर जाएगी, ये हमारे कहावत भी है कि बिल्ली के भाग से छीका फूटना या बिल्ली अंगूर खट्टे हैं, कई तरह की बातें कही जाती है, लेकिन ये लगातार इस तरह की बातें कभी कैलाश जी के मुँह से सुनाई देती हैं, कभी शिवराज जी के मुँह से सुनाई देती हैं, BJP लगातार इस तरह की बातें करती है, तो क्या वजह लगती है आपको? देखिए BJP के मध्य प्रदेश में मैं समझती हूँ 15 साल के शासन में कहीं ना कहीं ने सोच लिया कि शायद ये हमेशा ही शासन बने रहेंगे और कभी सत्ता इनसे छिनेगी नहीं, ये इनको एक गुरूर हो गया था, एक भ्रम हो गया था, और जब इनसे सत्ता छिनी जनता ने तो असहनीय हो गया इनके लिए, और इनको लगा कि एन केन प्रकार चाहे जो हो हमें सत्ता में वापस आना है, और जैसे ही सरकार बनी तभी भी कहते रहे कि हमारे नेता को छींक आ जाएगी तो सरकार गिर जाएगी, हमारा नेता सोच लेगा तो सरकार जी गिर जाएगी, ये तमाम ये वक्तत्व देते रहे ये। और पहले ये कोशिश करते रहे, इनने खरीद फरोश की भी कोशिश करी, इनने हमारे MLA मतलब मैं तो समझती हूँ कि जब हम मूल्यों की बात करते हैं, मुझे कई बार लगता था कि राजनीति में मूल अब बचे नहीं हैं, पर जब मैं लोगों को देखती तो एक और बार विश्वास हो जाता है कि नहीं अभी भी वो लोग हैं जिनके अपने मूल्य हैं। मैं आपको बताऊं, 1-2 विधायक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं उनके, बेहद गरीब विधायक है, मतलब आप समझेंगे कि वो
ट्राइबल विधायक हैं, बहुत ही सीधे साधे विधायक हैं, आसपास ढाबों में ले जाया गया उनको, पैसा ऑफर किया गया 50 करोड़ रुपए। आप सोचिए, उस विधायक ने 50 करोड़ देखना तो बहुत दूर सोचे तक नहीं होंगे अपने जीवन में। उस व्यक्ति को 50 करोड़ का आपने लालच दिया और उसने ठुकरा दिया, तो उसकी मैं प्रणाम करती हूँ उस आदमी को कि उसकी ईमानदारी आप देखिए। तो बीजेपी ने बहुत कोशिशें करी पर हाथ कुछ नहीं आया। अब वो एक और बार आखिरी कोशिश करेंगे चुनाव के बाद, उनको लगता है कि कोशिश करें कि एक और बार सरकार गिराने की, पर देखते जाए ये सरकार कमलनाथ जी की 5 साल ही नहीं, 5 साल तो पूरे करेगी पूरे इस आशीर्वाद के साथ, अगली चुनाव में भी हम जीतेंगे अपने कामों के बल पर। शोभा ओझा जी को आप लगातार सुन रहे थे, हम शोभा जी को शुभकामनाएं देंगे कि आप कमलनाथ जी की सरकार की सहयोगी बनकर इसी तरह काम करती रहें, कम से कम करप्शन और महिला अपराध और अपराधों से इस प्रदेश को कैसे भी मुक्ति मिले, इसके लिए जहां आपको मीडिया की, लोगों की ज़रूरत हो, हम सब आपके साथ हैं। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।